गाइस हमने मेकअप का सामान ले लिया है, यहाँ पर हमारा बिल रेडी हो रहा है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये आईलैशेस, हमने ये सामान फाइनली देखिए, हमने यहाँ इतना सैंडल देख रही, समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा लूँ। यहाँ पर आए हैं नेकलेस, देख लो 550 का सेट है, ये कितने की है? 550 वाला। दादी सबके लिए क्या आया है जी, दिखा दीजिए फैमिली को। मिठाई लेकर आए हैं इनके मामा, अच्छे के लिए आया है, पिंक वाला हम लोग के लिए आया है। देखो सब लोग खा भी रहे हैं, आप लोग भी आइए खाइए, उधर बैठे खा पाएंगे। अरे सदिया में जाओगी खाओगी नहीं क्या? देखेंगे क्या पता नहीं बनाओगी उसका। तो पति देव चले गए हैं ड्यूटी, बोल कर गए हैं कि मेरा इंतजार मत करना, अपना अच्छे से पैकिंग वगैरह कर लेना। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम है वंदना और ये है धर्मेंद्र जी सब। तो हम लोग आज मार्केट जा रहे हैं, उसके आगे का क्लिप है जो वीडियो आया था, बताए थे ना मार्केट। ये तो मेरा सर ही काट दिया, आधा दिखा रहे हैं हम लंबे छोटे, चट्टी गंजी आ बता क्या हुआ, ये तो सबके घर में टंगा रहता है। हाँ तो मार्केट जा रहे हैं, देखते हैं क्या शॉपिंग करते हैं और दुल्हन के लिए क्या गिफ्ट लेते हैं। तो ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, और इसके बिल्कुल मत करना वीडियो फुल देखना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चलिए मार्केट मिलते हैं। तो सो गाइस हम लोग बाइक पे बैठ गए हैं और मैं निकल गई हूँ, मास्क हमारा नीचे गिर जा रहा है, और थोड़ा सा शाम का समय है तो ऐसे धुंधला धुंधला दिखाई देगा। आगे रिश्ता बजे सकते हैं, और इस पति से चला रहे हैं, हम स्कूटी से जा रहे हैं मार्केट। अभी जो कोई मिल गया था बोला आपका ब्लॉग देखता हूँ, ये वो बहुत सारी बातें हम लोग की हुई। तो चलिए मार्केट के अंदर हम आपसे मिलते हैं। तो इसी बीच में पतिदेव बोल रहे हैं एटीएम से पैसा निकालना है, कहाँ है एटीएम? एक्सिस बैंक दिख रहा है, वहाँ पर से निकालेंगे। आईसीआई बैंक है और इधर एक्सिस बैंक है, तो हम लोग पैसा निकाल लेते हैं क्योंकि मार्केट करने के लिए पैसा तो चाहिए ही। तो यहाँ पर है ऋषभ, इधर आओ, इधर आओ ऋषभ, इधर आओ। चलिए पैसा निकाल कर हम आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। तो सो गाइस हम लोग मार्केट में आ गए हैं, देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, इधर ऋषभ है। अभी देखते हैं किस किस दुकान पे जाते हैं हम सब, आपको सब कुछ दिखाएंगे। ब्लॉक के अंदर जुड़े रहिएगा, शादी का सीजन है, मार्केट बहुत काफ़ी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लहंगा कपड़े बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। तो सो गाइस यहाँ पर हम मेकअप का सामान लेने आ गए हैं, देख सकते हैं मेकअप का सामान है इसलिए जाते हैं, आप लोग को पता है भैया नमस्कार बोल रहे हैं। तो चलिए ये लोटस का है, मैम आप कोई से भी ब्रांड मांगेंगे आपको ब्रांड ऑलमोस्ट सारे मिलेंगे, वो तो मुझे पता है। लोटस, मेबलिन, शुगर, रेवलॉन, लोरियल, चलिए ले लेते हैं। तो फैमिली यहाँ पर हमने फेस पाउडर बहुत सारे मेकअप का सामान खरीद लिया, देख सकते हैं, और सब मैंने न्यू ब्रांड का लिया इस बार, क्योंकि हमेशा लोटस का लैक्मे का लगाते थे, तो अब मैंने इस बार थोड़ा सा बस ब्रांड चेंज कर दिया है। लेकिन मेकअप का सामान इतना महंगा आता है ना, कसम से पूछो, मैं सारा HD का मेकअप लिया है। तो देखिए ये क्या बोलते हैं उसको, आई शेडो वगैरह देख रहे थे तो बहुत सारे वैरायटी के दिखा रहे हैं, 1000, कोई 1200, कोई 700, कोई 600, कोई 500, मैंने बहुत सारा देखा तो समझ में नहीं आ रहा था, एक मैंने इसमें से ख़रीद लिया हूँ। और हमने मेकअप का सामान ले लिया है, यहाँ पर हमारा बिल रेडी हो रहा है, और बहुत महंगा महंगा मिलता है सामान, मैंने अब काम चीज़ का लिया है, कोई ज़्यादा 1670 हो गया। कितना हो गया? 1670 हो गया। 70 रुपए छोड़ दीजिए, क्यों नहीं डिस्काउंट, देखिए फैमिली अच्छा नहीं लग रहा। हाँ चलिए 70 रुपए, देखिए भैया 70 रुपए डिस्काउंट नहीं करेंगे क्या? डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट नहीं सकता, नहीं यार आपको सब देख रहे हैं, आपको सब देख रहे हैं, होता नहीं 1650 दे दी बताइए 70 रुपए नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए गाइस होता है ना, देखिए 70 रुपए के लिए हमको भी बड़ा काम काम करना पड़ता है, ये बिल है हमारा, देखिए यहाँ पर आए हैं नेकलेस, देख लो 550 का सेट है, ये कितने की है? 550 वाला, ये 550 का सेट है,
और बहुत सारे लगे हैं। अभी अगली बार ले गए थे, आप लोग पूछ रहे थे कहाँ से ले गए थे, मुझे लिंक दीजिए। यहाँ से हमने स्वेटर भी खरीद लिए थोड़ा बहुत। भैया पूछ रहे हैं कि यूट्यूब का नाम क्या है, मैंने अपने चैनल का नाम बता दिया है। और बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर वगैरह है, यहाँ आप लोग भी आइए मार्केट से खरीदिए। देखिए ये एड्रेस वगैरह है सब कुछ, तो हम यहाँ से स्वेटर वगैरह ले लिए हैं, मैं घर पर दिखाऊँगी। तो ब्लॉग में जुड़े रहिए आप लोग। तो फैमिली यहाँ पर मैं ऊपर से आवाज़ डाल रही हूँ कि मार्केट बहुत शोर था, बगल में गुरुद्वारा था और वहाँ पर मतलब साउंड वगैरह की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पर पति दे देखिए जूता शूज वगैरह ले रहे हैं, तो मैं बैठ के भी बहुत थकी थी, मैंने बोला चलो ले लो, और इतने सारे सामान हो गए थे तो मैंने भैया से बोला कि एक पोलोथीन बड़ा सा दे दो, उसमें डाल लेते हैं सब, ऐसे पन्नी में करके अलग अलग रखे। ऋषभ भी साथ में है, वो भी थक गया है। तो यहाँ मैं पहले हस्बैंड के लिए लेती हूँ जूता, फिर मैं जाती हूँ दूसरे दुकान पर अपने लिए लेने। देखिए हमने यहाँ इतना सैंडल देख रही, समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा लूँ। भैया कह रहे हैं आजकल ये चल रहा है, लेकिन ये सब पहनने में ना कभी कभी डांस करो गिर टूट जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा शादी वगैरह में। हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, भैया कह रहे हैं बढ़िया है, बहुत सारे लगे हैं आप लोग एक बार देख सकते हैं। अब भैया जहाँ टूटेगा वहाँ से तो यहाँ आएंगे नहीं। हाँ अब यहाँ इनसे आएंगे लड़ने, फिर हम जो टूट जाएगा बेइज्जती हो जाएगा तो आएंगे लड़ने। तो चलिए फैमिली हम ले लेते हैं। तो गाइस शॉपिंग हो गई है, अब मैं घर के लिए निकल गई हूँ। और इधर देखो ऋषभ स्कूटी से जा रहा है इसके पापा, और हम ऑटो से जा रहे हैं, इसी बीच में ये दोनों मिल गए हैं। और हम भी चलो चलिए घर, चलिए हमारे साथ, सब ये लोग चल रहे हैं, चलिए घर से मिलते हैं हम सब। तो सो गाइस हम आ गए हैं, सारा शॉपिंग करके देख सकते हैं, यहाँ सब सामान अभी रख दिया है, अभी हम दिखाएंगे क्या क्या खरीदे हैं। चलिए कुछ आगे जोड़ लेते हैं, बहुत लोग जाते हैं, बैठे हुए हैं सब लोग। हम लोग आ गए मार्केट से, दो ढाई घंटे के बाद फुर्सत मिला है। सबके लिए क्या आया है जी, दिखा दीजिए फैमिली को। मिठाई लेकर आए हैं इनके मामा, मतलब सबके लिए रिसेप के लिए जामुन, आजकल ना डब्बे में लोग करके देते हैं। विनय और कोमल लेके आए इतना ढेर सारा आइटम, थैंक यू नहीं बोले अपने मामा। काला सुराची के लिए आया है, पिंक वाला हम लोग के लिए आया है, देखो सब लोग खा भी रहे हैं। आप लोग भी आइए खाइए, उधर बैठे गाइस, लेकिन हम नहीं खा पाएंगे। अरे सदिया में जाओगी खाओगी, देखेंगे क्या पता नहीं बनाओगी उसका तो। अरे बनाएंगे जी वीडियो, नहीं खाएंगे तुम देख लेना अगर मीठा। तो गाइस हम लोग शादी में जा रहे हैं, ये दूसरे जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। ये इलाहाबाद जाएंगे, हम कानपुर जाएंगे। तो चलिएगा, कोई है हमसे मिल लीजिएगा, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। नाश्ता लगा देते हैं, मैं पहले इसके लिए पतली लग रही हूँ ना, अभी हम आप लोग का अपना सारा सामान दिखाएंगे। चलिए गाइस जुड़े रहिए ब्लॉग में। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह का टाइम हो गया, ये लोग कल आए थे, मैं ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, काम बहुत ज्यादा था हमारे पास, मतलब काम क्या घर का काम नहीं। जैसे मुझे कानपुर जाना है शादी में, आप लोग को पता ही होगा, तो मैं शॉपिंग वॉपिंग करके आई, रात को थक गए थे, खाना भी बनाए और घर बहुत सारे मतलब जो होता है छोटा मोटा काम निपटा लूँ। और फिर ये रिश्ता देखो सुबह हो गया है, मॉर्निंग का टाइम है, तो बिना लोग रुक नहीं रहे थे तो हमने ज़बरदस्ती रोक लिया, हमने बोला चलो खाना पीना बना रहे खा पी कर जाना, तो रात काफ़ी हो गई तो मैं जाने नहीं दिया। तो फिर रिश्ता के लिए देखिए दिखा दो क्या क्या लाए थे मामा, बहुत सारे इसके लिए सामान लाए थे, जैसे देखिए किंजर जो आए, चॉकलेट वगैरह, चिप्स वगैरह सब लाए थे, सोनाक्षी के लिए भी लाए थे। तो ये लोग अब रुक गए थे, सुबह हो गया है, अब ये लोग सुबह मीने को ड्यूटी जाना है तो ये निकल रहे हैं, हल्का फुल्का ऐसे चाय साय पी के जा रहे हैं। हमने वाला रूपो अब कुछ नाश्ता वगैरह बनाते हैं, और सुबह हम लोग के इतना टाइम सुबह नाश्ता भी करता नहीं है, लेकिन नहीं 12 बजे के बाद कुछ खाया ही नहीं जाता, 2 बजे के बाद हम लोग 12 बजे के बाद थोड़ा बहुत, देखिए घड़ी में 10:30 भी बज रहा है, अभी तक हम ब्रश नहीं किए, लेकिन चाय साय जो होता है घर का हल्का फुल्का और सफाई कर लिए हैं। और ऋषभ हमारा इधर देखिए क्या कर रहा है, अपना चॉकलेट खोल रहा है, और हमारी शॉपिंग आते उधर फेंका हुआ है, देख सकते हैं अभी इसको देखे ही नहीं क्या क्या खरीदे, क्या है क्या नहीं है। और इधर कोमल चाय में चाय पी रहे हैं, करें चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ, चाय एकदम कड़क है, कड़क लड़की कड़क कपड़ा, यही दो चीज अच्छी है, कड़क लौंडे। तो पति देव चले गए हैं ड्यूटी, बोल कर गए हैं कि मेरा इंतजार मत करना, अपना अच्छे से पैकिंग वगैरह कर लेना, तो हमने बोला ठीक है हम नहीं जाएंगे,
हाँ उसको नहीं ले जाएंगे। फिर रात को सोच रहे थे लेकर जाए, लेकिन फिर हम कहते हाँ दो लोग को चलोगी चलोगी तो बता दो अभी हम क्या है जाएगी तो वीडियो शूट करेगी। हाँ सर अच्छी पापा है मैम और मामी कह रहे फिर होगी तो नहीं उस दिन कैसे ले दिए थे एक दिन। चलो सोनाक्षी को फिर हम रात भर सोए थे जब ना फिर दिमाग में लेकर चलते हैं, लेकिन फिर वो बोले नहीं जाएंगे। एक दिन की बात ही है। हाँ हाँ दो दिन की बात है जो भी है तो मामी और चाची नहीं तो मुझे आज जाओगी क्या मामी के? हाँ। आज नहीं हाँ। वो चली जाएगी जिस दिन जाना होगा हमको उस दिन एक दिन पहले छोड़ देंगे। हाँ तो गाइस चलिए हमारी सब बातें साथ होती रहेगी और हम चलते हैं थोड़ा बहुत अपने काम में लग जाते हैं। A few moments later. So guys, वो सब चले गए हैं कोमल और बीने अपने रूम पर क्योंकि बीने को ऑफिस जाना था तो वो लोग नाश्ता वास्ता करके चले गए हैं। और इधर देख सकते हैं इतना सारा फैला हुआ है, अभी तो मुझे पैकिंग करना है, मुझे कार को जाना है, सब कपड़े हस्बैंड का रखना है अपना मम्मी मेरा भी पैकिंग कर देना मैं मामी के घर जाऊंगी ना। हाँ चलिए देखते हैं। और ये सब हमारा दो सूटकेस है लेकिन दो नहीं ले जाएंगे, वन ले जाएंगे और एक और एक अभी कपड़ा इसमें से निकालेंगे तो बहुत सारे मैंने जो ठंडी वाला कपड़ा था इसमें से निकाली है बेड में से और सब निकाल के बाहर रखे कुछ प्रेस करेंगे। इधर पति देख कपड़ा फैला हुआ है तो और फिर सोचते हैं चलिए आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक है। अगर आज की वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और हम कानपुर आ रहे हैं और जो हमसे मिलना चाहते हैं मिल लीजिएगा। तो चलिए कानपुर का ब्लॉग देखिएगा, शादी का ब्लॉग बहुत अच्छा आएगा। मैं सोची थी कि चलो मैं उसकी शादी वाले दिन पहुँचूँगी लेकिन मैं उसकी मेहंदी वाले रस्म दिन पहुँच जाएंगी और बहुत मज़ा आएगा, बहुत धमाल होने वाला है। तो प्यार देते रहिएगा ऐसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। पैकिंग करेंगे क्या क्या खरीदें सब कुछ इसी ब्लॉग के अंदर दिखाएँगे, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में है ना। तो हम चलिए मिलते हैं क्योंकि काम कर लेते, बहुत बिजी है बहुत बिजी है। बाय बाय, टेक केयर।